हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर सेकंड, राइटिंग एंड सिटी लाइफ ऑफ हिस्ट्री क्लास 11th। जो चैप्टर सेकंड है हमारा, उसके अंदर हम जो राइटिंग और सिटी लाइफ है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो वर्ड है मेसोपोटामिया, ये कहाँ से डिराइव किया गया है या कहाँ से ये लिया गया है, तो आप देखेंगे। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेकंड, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। देखिए, राइटिंग का मीन्स होता है जो लेखन होता है हमारा, जो लिखने का वो लेखन हमारे, राइटिंग। और सिटी लाइफ, जो शहरी लाइफ जो है हमारी, वो आती है सिटी के अंदर, ठीक है। फिर अब बात करते हैं हम कि जो मेसोपोटामिया वर्ड है ये कहाँ से डिराइव किया गया है, इसका मीन क्या होता है। तो जो द वर्ड है, द नेम मेसोपोटामिया, ये डिराइव्ड है आपके ग्रीक वर्ड मैसोस से, जिसका मीनिंग होता है मिडिल, और पोटेमस, जिसका मीनिंग होता है आपके मेसोपोटामिया जो है, ये दो वर्ड से मिलके बना है ग्रीक लैंग्वेज के, आपके मैसोस मिडिल और पोटेमस रिवर, यानी ऐसी जगह जो दो रिवर्स के बीच में हो। मिडिल का मतलब होता है बीच में, बीच में यानी आप किसी दो चीज़ों के बीच में की बात कर रहे हैं, और पोटेमस जैसे यूज हो गया रिवर, तो यानी मेसोपोटामिया क्या होगा, ऐसी जगह जो कि दो रिवर्स के बीच में हो, उसको हम कहेंगे मेसोपोटामस या मेसोपोटामिया। अब यहाँ पे जो है, हम अगर बात करें तो जो सिटी लाइफ जो है मेसोपोटामिया में, वो बिगिन होती है हमारे लैंड जो कि यूरेफिट्स और एग्रिस रिवर है उनके बीच में। यूरेफिट्स और एग्रिस रिवर जो है, इनके बीच में जो है ये सिविलाइजेशन है, यहाँ पे सिटी लाइफ जो है स्टार्ट होती है। ये जो एरिया है यूरेफिट्स और एग्रिस रिवर का, आज प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो किसका पार्ट है, रिपब्लिक ऑफ इराक का, रिपब्लिक ऑफ इराक का पार्ट है ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अब देखिए, कोई भी सिविलाइजेशन जो है फेमस क्यों होता है, किसी ने कोई कौन कोई कारण होता है जिसकी वजह से वो फेमस होता है। जैसे हम अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो वो अपनी टाउन प्लानिंग के लिए फेमस थे, ट्रेड के लिए फेमस थे। हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाउन की जो प्लानिंग्स देखी है, रोड्स जो हैं वो 90 डिग्री एंगल पे कट कर रहे हैं, वाइडन रोड हैं 20 फीट्स के। तो उसी तरीके से जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वो क्यों फेमस है, अगर हम वो रीज़न देखें इसके फेमस होने के, तो इसकी पहला रीज़न है प्रॉस्पेरिटी। काफ़ी प्रॉस्पर सिटीज़ थी यहाँ पे, यानी ट्रेड इकोनॉमिक काफ़ी हाई लेवल पे थी। सिटी लाइफ, सिटी लाइफ का मीन्स होता है जैसे आज हम लोग सिटीज़ में जो लाइफ जी रहे हैं, हम लोग सिटीज़ में किस तरीके की लाइफ जीते हैं। देखिए, हम लोग हमारे जो ऑक्यूपेशनल्स होते हैं, ऑक्यूपेशन होते हैं हमारे, जैसे आपका ऑक्यूपेशन स्टूडेंट है तो आपका एक फिक्स रूटीन होता है, आप उसको फॉलो करते हैं, उस रूटीन के अकॉर्डिंग ही आप अपना सारा वर्क जो है वो कंप्लीट करते हैं। अगर कोई ऑफिस में वर्क करता है तो उसका वो ऑक्यूपेशन वो, तो सिटी लाइफ में क्या होता है, एक डेली रूटीन के हिसाब से आप वर्क करते हैं। जबकि यही आप अगर रूरल एरियाज़ में जाएंगे तो वहाँ पे उनको एग्रीकल्चर करना है, चाहे वो किसी भी टाइम खेत पे जाए करें, इस तरीके का सिस्टम होता है। सिटी लाइफ में एक इस्टेब्लिश जो है, एक सिविलाइज लाइफ आप जीते हो, उसको कहते हैं सिटी लाइफ। तो मेसोपोटामिया जो है अपनी प्रॉस्पेरिटी इकोनॉमिक्स के लिए, सिटी लाइफ के लिए फेमस था, एंड वॉल्यूमनेस एंड रिच लिटरेचर, जो रिच लिटरेचर है यहाँ का, उस रिच लिटरेचर के लिए फेमस है। लिटरेचर में हम लोग पढ़ेंगे कुछ एपिक्स के बारे में, कुछ एपिक्स लिखी गई हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में उनके बारे में। फिर इसकी मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, जो मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी है उसके लिए, तो मेसोपोटामिया किस किस चीज़ों के लिए फेमस है, अगर हम सिंपल से शब्दों में देखें तो फेमस है अपनी लिटरेचर के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, जो सिटी लाइफ है उसके लिए, एस्ट्रोनॉमी के लिए, और अपने ट्रेड के लिए, मेनली इन पांच चीज़ों के लिए। ये फाइव जो थिंग्स हैं, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, इन पांच चीज़ों के लिए आपके मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है वो फेमस था। अब हम बात करते हैं कि कोई भी सिविलाइजेशन है, जैसे ये जो यही सिविलाइजेशन का आप एग्जांपल लीजिए, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इसके बारे में आपको नॉलेज कैसे होगा, यानी किसी भी सिविलाइजेशन को जानने के कुछ सोर्सेज होते हैं। तो जब हम सोर्सेज की बात करते हैं तो सोर्सेज आपके होते हैं, देखिए फर्स्ट सोर्स होता है आपका आर्कियोलॉजिकल, और सेकंड सोर्स होता है आपका लिटरेरी। दो तरीके के सोर्स हो गए आपके, लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल। इन दो सोर्सेज के अंदर जो है हमें वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जिससे कि हम किसी भी सिविलाइजेशन या किसी भी सोसाइटी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब जो आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं आपके, उन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में भी देखिए कौन कौन सी चीज़ आती है, आपकी बिल्डिंग्स आती हैं,
जो बिल्डिंग्स हैं आपके वो आएंगी इसके अंदर, आपके स्टेचूज आएंगे, ऑर्नामेंट्स आते हैं। ऑर्नामेंट्स जो हैं वो हमेशा से लोगों के लाइफ का पार्ट रहे हैं। गोल्ड जो हैं, गोल्डन ऑर्नामेंट्स हो गए, प्रीशियस स्टोन्स हो गए, ये हमेशा से ही लोगों की लाइफ स्टाइल का पार्ट रहे हैं। और ऑर्नामेंट्स का कितना ज़्यादा यूज़ है किसी सोसाइटी में, उससे ये पता चलता है कि वहाँ के लोग जो है वो किस तरीके की लाइफ, एक रिच लाइफ जो है उसको एंजॉय कर रहे थे या कैसी लाइफ थी उनकी। फिर ग्रेव्स, ग्रेव्स में क्या होता है, देखिए जैसे किसी इंसान की जब हम कब्र को खोदेंगे, ग्रेव को, तो क्या होगा, अगर वो कोई ऑर्डिनरी आदमी होगा तो उसकी कब्र में आपको सिर्फ और सिर्फ उसके रिमेन्स मिलेंगे, फॉसिल्स मिलेंगे, उसकी बॉन्स मिलेंगी। लेकिन अगर वो कोई किंग है या कोई एक्स्ट्रा ऐसा जो है चीफ है किसी ट्राइब का, या कोई किंग है या उसकी सोसाइटी में कुछ इमेज है, तो क्या होगा, उसकी जो ग्रेव है उस ग्रेव के साथ में आपको कुछ ऐसे स्पेशल आइटम्स भी मिलेंगे जो कि ये डिस्टिंगफाई करेंगे कि ये आदमी जो है कुछ अलग सा रुतबा रखता था सोसाइटी के अंदर। फिर हम बात करते हैं सील पे। सील जो है इनसे हम किसी भी सोसाइटी की जो है सोर्सेज मिलती है हमें। सील का मतलब क्या होता है, सील का मतलब होता है जो इम्प्रेशंस हम करते हैं ट्रेडिंग के लिए, जिससे आज के टाइम में आपके उस स्कूल के नेम्स की जो है एक तरीके से सील होती है जो आपके सर्टिफिकेट्स पे पुट की जाती है। उसी तरीके से इस टाइम में, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है हमने बात की काफ़ी प्रॉस्पर था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती थी, तो जो सील्स हैं वो जब क्ले टैबलेट्स पे उनपे लगती थी ट्रेडिंग के लिए, यहाँ वहाँ जाती थी सील्स, तो उससे पता चलता है यहाँ की सोसाइटी के बारे में। फिर आते हैं हम टूल्स के बारे में। टूल्स जो है उनसे भी पता चलता है, देखिए टूल्स कौन सी जो है मेटल का बना हुआ है या किस मैटर का बना हुआ है, उससे काफ़ी ज़्यादा पता चलता है सोसाइटी के बारे में। जैसे हम अगर देखें तो स्टोन टूल्स भी मिलेंगे हमें, हमें ब्रॉन्ज टूल्स भी मिलेंगे और हमें आयरन टूल्स भी मिलेंगे। तो तीनों जो अलग अलग टाइप के टूल्स हैं ये अलग अलग पीरियड में डेवलप हुए हैं, तो इसी तरीके से हमें जो टूल्स हैं उनसे भी जानकारी मिलती है सोसाइटीज़ के बारे में। तो ये तो थे आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। फिर हम बात करते हैं हमारा जो दूसरा जो चीज़ है, लिटरेरी सोर्सेज। उस लिटरेरी सोर्सेज के अंदर आपके आते हैं रिटन डॉक्यूमेंट और लिटरेचर। जो लिटरेचर हैं आपके और जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसके अंदर आते हैं आपके, लिटरेरी सोर्सेज के अंदर। रिटन डॉक्यूमेंट्स यानी ऐसी चीज़ें जिनके अंदर ट्रेडिंग की या जो ऑफिशियल वर्क है उनकी जानकारी तो होती है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। और लिटरेरी सोर्सेस या लिटरेचर के अंदर आपकी आती हैं एपिक्स, जो कहानियाँ लिखी हुई हैं। तो ये हैं कुछ सोर्सेस जिनकी मदद से हम जान सकते हैं सिटी लाइफ को या मैसू किसी भी जगह की जो सोसाइटी है या सिविलाइजेशन उसके बारे में। अब हम बात करते हैं चैप्टर के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट। तो जो मैसोपोटेमिया है हमारा, इसमें हमने देखा कि यहाँ पे रिच लिटरेचर है, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इन सब के लिए ये फेमस है सिविलाइजेशन। मेसोपोटेमिया के अंदर जो हमारे राइटिंग सिस्टम है एंड लिटरेचर है ये स्प्रेड होके कहाँ तक गया है, आपके ईस्टर्न मेडिटेरियन तक, नॉर्दर्न सीरिया, टर्की तक, आफ्टर 2000 BC। 2000 BC के बाद का जो पीरियड है उस पीरियड के बाद में ये आपके सीरिया, टर्की, यहाँ तक जो है एक्सटेंड हो गया था मेसोपोटेमिया का जो राइटिंग सिस्टम है वो। राइटिंग सिस्टम में भी हम पढ़ेंगे कि यहाँ की जो स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज है, उसके बारे में। सो दैट द किंगडम्स ऑफ दैट एंटायर रीजन वर राइटिंग टू वन अनदर एंड टू द फेयर ऑफ इजिप्ट। तो ये हम चीज़ जब पढ़ रहे हैं राइटिंग सिस्टम और लिटरेचर, इसका मीन क्या है कि यहाँ की जो किंगडम्स हैं इस एंटायर रीजन में वो एक दूसरे को राइटिंग के अंदर बातचीत कर रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं, इजिप्ट के जो फेरोज हैं उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं वो लोग। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कनेक्शन है सिटी लाइफ एंड राइटिंग के बीच में वो किस तरीके से एक्सप्लोर हो रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रायड हो रहा है तो वो भी राइटिंग के अंदर लिखा जा रहा है। जो किंगडम्स है इस रीजन के अंदर वो सारे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट्स बन रहे हैं। तो ये तो था आपका राइटिंग। अब हम बात करते हैं कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो है यहाँ की वो कब की है। अब देखिए यहाँ पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, इसके बारे में ये चीज़ जानना ज़रूरी है। यहाँ पे मेनली जो है फोर जो है एम्पायर्स उन्होंने रूल किया है, अलग अलग टाइम पीरियड्स हैं। जो मेनली जो सिटी लाइफ है, जो अर्बनाइज साउथ था, जहाँ पे आपको उरूक, मारी और बेबीलोन सिटीज़ मिलेंगे, ऐसा कोई फिक्स एविडेंस तो नहीं है कि सबसे पहले कब जो है सिविलाइज या अर्बन सेंटर जो है वो स्टार्ट हुआ था। लेकिन
जो 2000 BC के आसपास का पीरियड है या 3000 BC के आसपास का पीरियड है, जब सिटीज़ जो हैं वो डेवलप हो चुकी थी, तब के पीरियड से स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो मैं ये कह रहा था कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है उसमें चार जो एम्पायर है, फोर एम्पायर्स उन्होंने रूल किया, तो उसमें सबसे पहले आते हैं आपके सुमेर, जो सुमेर हैं आपके ये आपके फर्स्ट नंबर पे आते हैं। इन्होंने रूल किया है 3500 से आपकी 2300 BCE के बीच में, ठीक है। इनकी लैंग्वेज की बात करें हम तो लैंग्वेज भी सुमेरी है, जो सुमेरियंस जो थे इनकी लैंग्वेज भी सुमेरियन थी और इन्होंने रूल किया था 3500 से 2300 BCE के बीच में। तो ये माना जाता है कि जो सबसे फर्स्ट नॉन लैंग्वेज है मेसोपोटामिया की वो कौन सी है, आपके सुमेरियन लैंग्वेज। सुमेरियंस के बाद में आते हैं अकेडियंस। अकेडियंस जो हैं उन्होंने रूल किया है 2300 से 1900 BCE के बीच में, और इनकी लैंग्वेज जो है वो भी अकेड के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में आते हैं आपके बेबीलोन, और बेबीलोन के बाद में आते हैं असुर। जो असुर जो हैं आपके इन्होंने रूल किया है 1300 से लेके 612 BCE के बीच में, और लैंग्वेज इनकी है अरामिक। अरामिक जो है वो इनकी लैंग्वेज है। तो ये तो यहाँ पे चार जो है एम्पायर्स आप कह सकते हो जिन्होंने रूल किया है। तो देखिए पढ़ते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री द लैंड मैनली द अनबनाइज साउथ वॉज कॉल्ड सुमेर एन अकड। तो जो साउथ का जो एरिया था उसको रिकॉर्डेड हिस्ट्री जब मिली, जब से लिखना स्टार्ट हुआ है तब उसको क्या कहा जाता था, सुमेर और अकड। आफ्टर 2000 BCE व्हेन बेबीलोन बिकेम एन इंपॉर्टेंट सिटी, हमने देखा अभी बेबीलोन जो है वो 1900 BCE के आसपास स्टार्ट होता है। तो जब बेबीलोन इंपॉर्टेंट सिटी बन गया तो इसको बेबीलोनियन कहा जाने लगा सदर्न रीजन को। जब 1100 BCE में असीरियंस ने अपने किंगडम को इस्टेब्लिश किया तो ये असीरिया जो है वो कहने जाने लगा। अभी हमने बात की सबसे फर्स्ट जो नॉन लैंग्वेज है इस लैंड की वो कौन सी थी आपकी, सुमेरियन लैंग्वेज थी। जो सुमेरियन लैंग्वेज है इसको बाद में रिप्लेस कर लेती है अकेडियन 2400। जैसे जैसे देखिए एम्पायर चेंज हो रहा है, सुमेरियन एम्पायर जो है वो 3500 से 2300 BCE के बीच में चल रहा है, तो वो लोग सुमेरियन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही अकेडियंस आएंगे तो वो अपनी लैंग्वेज जो है उसको यूज़ करेंगे, तो धीरे धीरे रिप्लेस हो जाएगी। उसके बाद में जो अकेडियंस जो हैं वो उनकी लैंग्वेज अलेक्जेंडर का जो टाइम है वहाँ तक आप देख सकते हैं फ्लोरिश होती है। कुछ चेंजेस होते हैं रेंज रीजन्स के अंदर, अलग अलग रीजन में हम इंडिया में भी देखते हैं, जो अलग अलग हमारे स्टेट्स हैं। यहाँ पे इंडिया में अगर देखा जाए तो टोटल जो है 1600 लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स, यानी 1600 प्रकार की यहाँ पे भाषाएं और बोलियाँ हैं। तो क्योंकि वो हर एक रीजन पे चेंज हो रही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ये, तो यहाँ पे भी रीजनल चेंजेस होते रहे थे अकेडियंस के अंदर। लेकिन वो अलेक्जेंडर का जो टाइम था 336 BCE से 323 BCE के बीच का, उस पीरियड तक चलती थी। उसके बाद में जब असुर जो हैं, असुरियंस जो हैं, उन्होंने अपना किंगडम इस्टेब्लिश किया, तो हमने बात की थी उनकी लैंग्वेज जो है वो अरामिक थी। अरामिक जो है वो किसके सिमिलर थी, हिब्रू के, यानी हिब्रू को जैसे लिखा जाता है उसी तरीके से अरामिक जो है उसको लिखा जाता था। और अभी भी हम देखें तो इराक के कुछ पार्ट में अरामिक लैंग्वेज जो है उसको बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि मेसोपोटामिया जो है यहाँ पे सबसे पहले आर्कियोलॉजी स्टार्ट कब हुई। हमने अभी दो सोर्सेज जो पढ़े थे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है हमारे बिल्डिंग रिमेन्स हो गए, स्टैचूज़ है, ऑर्नामेंट्स, ये मिलने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक्सकवेशन करना होगा, अर्थ की सरफेस को जो है डग आउट करके इनको निकालना होगा अर्थ की सरफेस में से। तो आर्कियोलॉजी जो है वो मेसोपोटामिया में सबसे पहले स्टार्ट होती है 1840s में। एक या दो साइट जो हैं वहाँ पे, जिसके अंदर उरुक और मारी जो हैं वो हैं, जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक्सकवेशन जो है यहाँ पे कंटिन्यू रहता है 4 decades, कई सारे 100 years तक जो है लगभग यहाँ पे एक्सकवेशन होता है। कोई भी इंडियन साइट जो है वहाँ पे इतना लंबे टाइम पीरियड तक कोई भी प्रोजेक्ट नहीं चला होता। ये चीज़ ध्यान रखिए, इंडिया में भी जब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात हो रही है उसी के कंटेम्प्रेरी पीरियड में इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी फ्लोरिश हो रहा है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सकवेशन 1920s के आसपास स्टार्ट होता है, उस वक्त हमारे यहाँ पे रूल होता है ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स की रूल जैसे ही ख़त्म होते हैं 1947 में इंडिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और हमारी जो दो मेजर इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं मोहनजोदाड़ो और हरप्पा,
वो कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान के पार्ट में। तो इंडिया में इतना ज़्यादा एक्सकवेशन नहीं हुआ है किसी भी प्रोजेक्ट पे जितना कि मेसोपोटामिया में हुआ है। तो इतने जब लंबे जब प्रोजेक्ट चलता है तो उसमें कई सारे जो हैं हमें सोर्सेस मिले हैं। तो यहाँ पे आपको हंड्रेड्स ऑफ मेसोपोटामियन बिल्डिंग्स, स्टेचूस, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, सील्स और रिटन डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, जिनकी अभी हमने बात की थी कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जिनकी मदद से हमें जानकारी मिलती है। क्लियर है। उसके बाद में देखिए हम बात करते हैं कि मेसोपोटामिया जो है वो एक यूरोपियंस जो थे उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इसके जो हैं बहुत सारी रेफरेंसेस मिल जाएंगे हमें ओल्ड टेस्टामेंट्स के अंदर, जो ओल्ड जो बुक्स हैं यूरोपियंस की उसके अंदर भी हमें मेसोपोटामिया की जो है जानकारी मिलेगी, जिसके अंदर आपको बाइबल के अंदर मिल जाएगी, बुक ऑफ जेनेसिस जो है उसके अंदर मिल जाएगी, शिमीर जो है वो आता है सुमेर वर्ड के लिए, एज ए लैंड ऑफ ब्रिक बिल्ड सिटीज़, यानी ऐसी जगह जिसके चारों तरफ दीवारें बनी हुई हैं किसकी, ब्रिक्स की। ये चीज़ किसके लिए यूज़ होती है, सुमेर के लिए। ट्रैवलर्स एंड स्कॉलर्स ऑफ यूरोप लुकड ऑन मेसोपोटामिया एज ए काइंड ऑफ एंसेस्ट्रल लैंड। जो ट्रैवलर्स और स्कॉलर्स थे यूरोप के वो मेसोपोटामिया को अपने एंसेस्ट्रल लैंड यानी उनके जो पूर्वज हैं या उनसे पहले के जो लोग थे उनकी लैंड के रूप में देखते हैं। और जब आर्कियोलॉजिकल वर्क स्टार्ट हुआ था इस एरिया में तो यहाँ पे ये अटैम्प्ट भी किया गया था ये प्रूव करने का कि ये जो ट्रूथ है इन ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर वो सत्य हो, यानी एक तरीके से ऐसा बताया गया कि भाई यूरोपियंस जो हैं वो कहाँ से आए हैं, मेसोपोटामिया से, इस तरीके का बताने की कोशिश की गई। उसके बाद हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द बाइबल द फ्लड वॉज मैन टू डिस्ट्रॉय ऑल लाइफ ऑन अर्थ, हाउएवर गॉड चोज द मैन नोहा टू इंश्योर दैट लाइफ कुड कंटिन्यू आफ्टर द फ्लड। नोहा बिल्ट ए ह्यूज बोट ऑन आर्क, ही टुक अ पेयर ईच ऑफ ऑल नॉन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑन बोर्ड द आर्क, वी सर्वाइव द फ्लड। देयर वॉज अ स्ट्रैंगली सिमिलर स्टोरी इन द मेसोपोटामियन ट्रेडिशन वेयर द प्रिंसिपल कैरेक्टर वॉज कॉल्ड जुशुद्रा और उदयनपिसतम। यानी जैसे बाइबल के अंदर क्या है, एक स्टोरी लिखी हुई है, आप बाइबल के अंदर देखेंगे कि जो गॉड जो है उसमें ये बताया गया है कि भाई फ्लड जो है बाढ़, उसकी वजह से पूरी जो अर्थ के ऊपर लाइफ है वो डिस्ट्रॉय होने वाली थी, बाढ़ के अंदर सब कुछ तबाह होने वाला था। तो गॉड ने क्या किया, एक आदमी को चूज़ किया जिसका नेम था नोहा। उस नोहा को जो है चूज़ करके ये कहा गया कि तुम्हें जो है ये लाइफ जो है इस अर्थ के ऊपर इसको बचाना है। इसको बचाने के लिए उसको क्या कहा गया कि जो फ्लड जो है इसमें तुम्हें एक ह्यूज बोट बनानी है, बहुत बड़ी जो है उसने बोट बनाई एक आर्क के ऊपर, और हर एक जो नॉन स्पेसीज उसका पैर मेल फीमेल लिए उसने अपने साथ बोट में रखे और इसको सर्वाइव करवाया। जो ये जो कहानी बाइबल में लिखी हुई ऐसी की ऐसी सिमिलर स्टोरी जो है वो मेसोपोटामियन ट्रेडिशन में भी थी। इसीलिए हमने कहा ना कि अभी यूरोपियंस जो है वो कह रहे थे कि भाई ये हमारे एंसेस्ट्रल लैंड हो सकती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि बाइबल में और मेसोपोटामियन ट्रेडिशन में सेम जो है स्टोरी चल रही है। अगर आप यहाँ एक चीज़ देखें तो इंडिया जो है यहाँ पे भी इसी तरीके की एक सेम स्टोरी चलती है जिसको हम कहते हैं मनु की जो स्टोरी होती है जिसमें कहा जाता है कि मनु जो है वो अर्थ को बचाता है किस तरीके से। तो सेम जो है इस तरीके की कहानी अलग अलग टेस्टामेंट्स के अंदर लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो जो 19th century से यहाँ पे mid-19th century 1840 से जो एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ था वो बिल्कुल भी स्टॉप नहीं हुआ। एनिशियंट 1873 में जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर है उन्होंने फ़ंड देना स्टार्ट कर दिए थे बहुत सारे एक्सपीडिशन को, जो ब्रिटिश म्यूजियम थे उनको, कि आप जाइए और यहाँ से टैबलेट्स जो हैं उनको सर्च करके लेके आइए जिन पे कि स्टोरी लिखी हुई हो फ्लड की, जैसे कि बाइबल के अंदर लिखी हुई है। ये जो हमने अभी मेसोपोटामियन ट्रेडिशन की जो बात की उस तरीके की, बाय द 1960 इट वॉज अंडरस्टूड दैट द स्टोरीज ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट were not literary true but may have been ways of expressing memories about important changes in history. लेकिन 1960 तक आते आते ऐसा माना गया कि जो स्टोरीज़ हैं ओल्ड टेस्टामेंट की, कि बाढ़ और नोहा का बचाना या फिर मेसोपोटामिया में सिमिलर स्टोरी का होना, ये ट्रू नहीं हो सकता है। लेकिन एक तरीका है कि भाई जो ग्रेट जो मेमोरीज है बहुत पुरानी जो बढ़िया यादें होती हैं उनको बताने का, कि कैसे जो है इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं सोसाइटी के अंदर हिस्ट्री के अंदर, उनको बताने का एक तरीका है। ग्रेजुअली आर्कियोलॉजिकल टेक्निक्स बिकेम फार मोर सोफिस्टिकेटेड एंड रिफाइंड, वॉट इज मोर अटेंशन वॉज डायरेक्टेड टू डिफरेंट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे अब हम ये मैप जो देख रहे हैं, हम ये जो मैप है आपकी स्क्रीन पे, ये मैप है
हमारे मैसोपोटामियन सिविलाइजेशन का। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैसोपोटामिया कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, तो इतना बड़ा जो रीजन है आपके वो मैसोपोटामिया में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको हम देखें तो चार पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से क्रॉस करेंगे, तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ये वाले पार्ट हो जाएगा आपके नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा आपके नॉर्थ वेस्ट और ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। क्लियर है ये चीज़ें? अब ये जो चार पार्ट में डिवाइडेशन हो गया था, तो ये वाले जो रीजन हैं, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रही है यूरेफिट्स रिवर के आसपास, इस टाइप की ग्रास लैंड्स हैं। दूसरा आप जो चीज़ यहाँ पे देख पा रहे हैं वो ये है कि ट्रेड जो है वो इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो पाया, ट्रेड जो है इतना प्रॉस्परस क्यों हुआ, तो उसका रीज़न था कि ये देखिए आप यहाँ पे वाटरवेज है, इधर ये लोग कैस्पियन सी के थ्रू वॉटर कर सकते थे, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, तो यहाँ से यहाँ तक ट्रेडिंग हो सक रही थी सीधी इंडिया के साथ में, मैसोपोटामियन सिविलाइजेशन की यूरोपियंस की तरफ जा सक रहे थे। तो वाटर जो है उन वाटर वेज ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी यहाँ की सोसाइटी के लोगों की। तो ये तो थे देखिए हमारे आज की नॉर्मल सी बातचीत, इसके बारे में हम कल आगे जो है